सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। एंड गाइस, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो फ्री फायर का सेटिंग होता है उसको आप लोग परमानेंटली कैसे रख सकते हैं। क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग फ्री फायर को अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर किसी कारण से वो डिलीट हो जाता है, तो जब आप लोग दोबारा उसको डाउनलोड करते हैं तो उसका सेटिंग जो है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और आप लोग पहले जैसा सेटिंग नहीं कर पाते हो। तो गाइस, आज का वीडियो देखने के बाद ये जो प्रॉब्लम है आपका उसका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो को बना देर के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर। एंड गाइस, जिसमें आने के बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेटिंग सीन्स का। एंड गाइस, जिसमें आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपलोड का एंड डाउनलोड का। गाइस, कई बंदे यहाँ पर क्या करते हैं कि डाउनलोड कर देते हैं, लेकिन गाइस आपको ये डाउनलोड यहाँ पर नहीं करना है, आपको यहाँ पर अपलोड करना है। गाइस, पहले आप लोग जैसे ही अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा अपलोड सक्सेसफुल का ऑप्शन। उसके बाद गाइस आपको जाना सेंसिटिविटी में। पहले आपको मैं ये पूरी तरह से इसको ख़राब करके दिखा देता हूँ। गाइस, अभी मेरा यहाँ पर सेंसिटिविटी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 80 है, तो गाइस इसको मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर रेड डॉट मेरा यहाँ पर 10 है, इसको मैं 100 कर देता हूँ। बाकी और बाकी सबको भी थोड़ा सा ख़राब कर देता हूँ। एंड गाइस, ये करने के बाद मैं जाता हूँ कंट्रोल में। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कस्टम HUD को भी ख़राब करके दिखा देता हूँ। फायर बटन मैंने यहाँ कर दिया, रिवाइव बटन भी मैंने यहाँ कर देता हूँ, और इसको ग्लोबल को भी यहाँ पर और सीटिंग वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर। गाइस, इसके बाद यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। गाइस, अब हमारा जो सेंसिटिविटी है वो भी ख़राब हो चुका है, और यहाँ पर जो हमारा कंट्रोल है कस्टम HUD हमारा, ये भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसके बाद गाइस मैं जाता हूँ फिर से बेसिक वाले ऑप्शन पर सेटिंग में। एंड गाइस, यहाँ पर जो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, गाइस सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। एंड गाइस, इसके बाद आपको ओके का ऑप्शन देखने को मिला, सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। गाइस, जैसे ही आप लोग ओके कीजिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड सक्सेसफुल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइस अभी हमारे यहाँ पर मैसेज आ चुका है। उसके बाद गाइस आपको सेटिंग्स एक बार चेक कर लेनी है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, आप लोग यहाँ पर हमारा सेंसिटिविटी देख सकते हैं, पहले मेरा 80 था तो वो 80 हमारा हो चुका है, रेड डॉट भी हमारा 10 था तो ये भी 10 हो चुका है, और भी जो जितना था वो भी उतना ही हो चुका है। और गाइस, यहाँ पर कंट्रोल्स में आप लोग देखिए कस्टम HUD भी जो जहाँ था वहीं पर पहले जैसा मतलब हो चुका है। तो गाइस, आप लोग भी इस ऑप्शन का यूज़ करके आप लोग इजीली अपने सेटिंग्स को परमानेंटली अपलोड करके रख सकते हैं, और उसके बाद जब भी आपका फ्री फायर डिलीट हो जाए या फिर गलती से अनइंस्टॉल हो जाए तो उसको आपको डाउनलोड करने के बाद उसको आपको इस वाले ऑप्शन को आपको डाउनलोड कर लेना है, सेटिंग्स इस वाले ऑप्शन से। गाइस, जो सेटिंग्स है वो आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस, आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।